Good morning, students. Today I am going to complete your rest of the part, chapter 17. So please open page number 114. So I have mentioned this type of contents here. So first you read modern means of transport: roadways, railways, waterways, airways. Okay. So I am going to start. Let's start. Modern means of transport. Modern means of transport can be divided four modes. है ना? Modern means of transport कितने मोड में डिवाइड हो रहा है? Four. Roadways, railways, waterways, airways. Everyone know about it. I'm going to explain. Roadways. India has a world third largest network of roadways. It has both kacha and pakka road. Kacha road are found mainly in villages. ठीक है? India के पास India के third largest network में आता है road के मामले में. ठीक. और इसके पास दो टाइप की रोड होती है, कच्ची और पक्की. और कच्ची रोड जो होती है वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है विलेजेस में. और पक्की तो आपको पता ही है, सिटीज में. पक्का रोड आर फाउंड इन टाउन एंड सिटीज. पक्का रोड आल्सो कॉल्ड ऑल वेदर रोड्स. पक्का रोड को ऑल वेदर रोड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी सीजन में, किसी भी वेदर में हम इस पर मूव कर सकते हैं. बिकॉज दे कैन बी यूज एट एनी टाइम ऑफ द year even in the rainy season. India roads have been divided into four types. India की जो roads है वो four type की divides होती हैं, जैसे कि national highway, state highway, district road and border road. Okay. So the national highways connected important cities of India with each other. National highways की जो road रहती है वो important cities को एक दूसरे से connect करती है. The longest national highway in India is the Sher Shah Suri, formed known as the Grand Trunk Road. आपको पता है Sher Shah Suri ने कौन सी रोड बनाई थी? Grand Trunk Road. ठीक. It was built in 1542 by Sher Shah Suri. It runs from Kolkata. ये कहाँ से कहाँ तक की है? कलकत्ता से पेशावर. पेशावर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में. The Golden Quadrilateral which joined Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai. ठीक है. इसका मतलब है ये चार सिटीज को जोड़ती है. चार सिटीज के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं. वो कौन कौन सी हैं? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई. इज द बिगेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च इन इंडिया. और ये सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट था हमारे इंडिया में जो लॉन्च हुआ था. द स्टेट हाईवे कनेक्टेड द कैपिटल ऑफ द स्टेट विद द हेडक्वार्टर्स ऑफ इट्स वेरियर डिस्ट्रिक्ट. स्टेट हाईवे किस चीज से कनेक्ट होता है? स्टेट हाईवे में स्टेट की कैपिटल्स आती हैं और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कनेक्ट होते हैं. तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट हाईवे. आपको पता है तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा इस तरीके के हाईवेज, स्टेट हाईवेज है ना. तो ये क्वेश्चन भी है. द डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द मेन टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. और डिस्ट्रिक्ट रोड किससे कनेक्ट हो जाता है? वो हेडक्वार्टर से हो जाता है जो टाउन के, डिस्ट्रिक्ट और टाउन के रहते हैं. द बॉर्डर रोड हैव बीन बिल्ट ऑल अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ आर कंट्री. दे आर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आर बॉर्डर. अब हमारी बॉर्डर में भी ऐसी चीज़ें बनाई गई, ऐसी रोड बनाई गई जिसको सिक्योर किया गया. इंडिया हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट बॉर्डर रोड. और इंडिया के पास ही सबसे बड़ी वर्ल्ड की रोड भी है, हाईएस्ट बॉर्डर रोड भी है. इट कनेक्ट मनाली. वो कहाँ से कनेक्ट होती है? वो मनाली से लेह तक कनेक्ट होती है. इट रन्स ऑन एन एवरेज हाई ऑफ 4,270 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. अब देखो सी लेवल से वो कितनी ऊपर है. ठीक है. चलिए, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सो कम ऑन नेक्स्ट. रेलवे. ऑल ऑफ यू यू नो अबाउट द रेलवे बिकॉज आप सभी लोग रेलवे तो, ट्रेन में तो जरूर सफर किए होंगे. रेलवे आर द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. ट्रेन्स कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एंड टन्स ऑफ हैवी गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर. आपको पता है कि ट्रेन से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वी कैन गो इजिली, वेरी इजिली. ओके. बट गुड्स ऑफ गुड्स ऑल्सो है ना, मतलब जो बहुत सा भारी माल होता है उस चीज़ को भी ट्रेन के थ्रू हम इधर से उधर कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं. वी हैव मेनी फास्ट मूविंग मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन. सम ऑफ द फास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया आर द. देखो हमारे पास बहुत सारी ट्रेन से यू नो, बट कुछ उसमें से बहुत ही फास्टेस्ट है जिसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस, डक्कन क्वीन, शताब्दी एक्सप्रेस. दे रन एट द स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर.
और इनकी स्पीड पता कितनी होती है पर आवर, एक घंटे में 100 किलोमीटर रन करना। बिग सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई है लोकल ट्रेंस, और इन चारों सिटीज में कौन सी ट्रेंस है, लोकल ट्रेंस भी हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ से जैसे यहाँ से कवर्धा से यदि हम जोराताल जाएंगे या फिर कवर्धा से हम कहीं और जाएंगे तो हम बस का ले लेते हैं कि भाई बस से हमें जाना है या बिलासपुर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ये चार सिटीज है यहाँ पे लोकल ट्रेन से, मतलब आप ट्रेन से भी इधर से उधर जा सकते हैं, ठीक है। दिस ट्रेन रन विद इन द सिटीज। कोलकाता एंड दिल्ली हैव अ अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम ऑल्सो एंड कॉल्ड इट मेट्रो, है ना। कोलकाता और दिल्ली में क्या है, अंडरग्राउंड भी ट्रेन सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेट्रो बोलते हैं। इन हिली एरियाज स्पॉट ट्रेन कॉल्ड टॉय ट्रेन। आपको पता है जो हिली एरियाज रहते हैं, हिल स्टेशन रहते हैं, वहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है। अगर हम टॉय ट्रेन में मूविंग करते हैं तो हम पूरे जो माउंटेन्स है, हिल्स है, इनका एंजॉयमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ चलती है, शिमला में चलती है, सिलीगुड़ी में चलती है ना। वी कैन सी दिस ट्रेन इन शिमला, सिलीगुड़ी एंड रांची, है ना। ओके, वाटरवेज, वाटरवेज आर द चीपेस्ट। इफ एनीबडी आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो यू गिव द आंसर वाटर ट्रांसपोर्ट। लेकिन बहुत स्लो होता है, इट इज़ वेरी स्लो, ओके। शेप्स, बोट्स, स्टीमर्स एंड फेरीज आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ऑनली टू रिवर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, सिर्फ दो रिवर्स ऐसी होती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। आर नेविगेबल इन इंडिया, नेविगेबल मीन्स द बोट कैन से अलाउ, मतलब यहीं पर बोट चलती है, ठीक है, हर जगह नहीं चलाते। हाउ एवर इंडिया हैज़ द लॉन्ग कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन मीन्स शेप ऑफ द कोस्ट, मतलब कोस्ट का शेप होता है कोस्टल लाइन, और यहीं पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट ओनली रन्स इन दिस साइट। इट हैज 30 मेजर पोर्ट एंड 200 माइनर पोर्ट्स, यहाँ पे 30 पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट हैं, मतलब छोटे, ऑल अराउंड द इट्स कोस्ट लाइन। शिप्स कैरी पीपल एंड हैवी गुड्स टू डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम दिस पोर्ट। अब डिफरेंट कंट्रीज में भी क्या होता है, यहाँ से लोग आते जाते भी हैं और जो सामान है वो भी आता जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आर अंडरलाइन बेटा, कांडला, मुंबई, कोची, पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता, ठीक है। ये कुछ ऐसे पोर्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मुंबई इज द बिगेस्ट, अगर आपसे कोई पूछेगा बिजनेस एज अ बिजनेस पर्पस विच इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो देन सेट आंसर मुंबई, ओके। द लैगून्स ऑफ केरला आर ऑल्सो सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ओके। केरला में भी लैगून्स जो है वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट टॉपिक इज एयरवेज। एयरवेज आज द फास्टेस्ट एंड कॉस्टलेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज सबसे तेज वाला फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है और ये पैसा भी लगता है इसमें बहुत। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग फ्लड्स, फैमिन्स एंड अर्थक्वेक। आपको पता है जब फ्लड आती है, अर्थक्वेक आता है, तो ये हेलीकॉप्टर से हमारी बहुत हेल्प करते हैं। दे आर यूज टू ड्रॉप फूड पैकेट्स, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन। एरोप्लेन्स आर ऑल्सो यूज टू कैरी सच आइटम दैट स्पॉइल क्विकली लाइक फ्रूट्स, फिश, फ्लावर्स एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन दोनों ही मदद करते हैं। कुछ लोग सामान देने में मदद करते हैं, फूड पैकेट्स देने में मदद करते हैं, कुछ मेडिसिन देने में मदद करते हैं, इस टाइप की हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, पेइंग फॉर ट्रेवल। व्हेन वी यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी बाई अ टिकट। दिस टिकट कॉस्ट मनी और करेंसी। हम कहीं भी जाते हैं, वी गो एवरीवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परचेज टिकट। एंड टिकट कैसे खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं हम पैसा देकर। तो जो हम पैसा देते हैं वही तो हमारी करेंसी हुई, जहाँ हम रहते हैं जो पैसा हम वहाँ का यूज़ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड करेंसी। द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड द रूपी, और हमारी जो करेंसी इंडिया की उसे क्या बोला जाता है, रूपी। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइन एंड बैंक नोट्स, ठीक है। इसमें कॉइन्स भी आते हैं और बैंक नोट भी आते हैं। कॉइन्स, कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। अ कॉइन हैज टू साइड, वन साइड हैज इट्स वैल्यू एंड द ईयर ऑफ इट्स माइंटिंग। माइंटिंग मीन्स टू प्रोड्यूस द कॉइन, ठीक है। मतलब कॉइन जो रहता है वो मेटल का बना रहता है और उसके दो साइड्स रहते हैं, और ये मतलब इसमें लिखा भी रहता है कि ये कब बना है, ठीक। द अदर साइड्स हैव द नेशनल एम्बलम, और उसके दूसरे साइड पे क्या रहता है, नेशनल एम्बलम। इंडियन कॉइन्स कम इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसा, 1, 2, 5 एंड 10 रुपीज। बैंक नोट्स आर
सिंपल पेपर, बैंक नोट सिंपल पेपर का बना होता है। वी यूज 5, 10, 20, 50, 100, 200 एंड 500 एंड 2000 रुपी नोट। द टू साइड बैंक नोट्स आर आल्सो डिफरेंट। लेट अस सी व्हाट इज प्रिंटेड ऑन ईच साइड ऑफ बैंक नोट। आप लोगों ने बैंक नोट देखे होंगे, है ना, जो नोट देखे हैं उसके आगे पीछे के पिक्चर्स को भी ध्यान से देखिएगा। I'm telling to you side one. A picture of Mahatma Gandhi is printed on the right side. Right side में उस note की क्या रहती है, महात्मा गांधी की picture print रहती है। There is a white space on the left side. If you hold the note against light, you will see the face of Mahatma Gandhi watermark on the white space. You will see also straight line a little away from the center. This is security thread. वहाँ पर एक सिक्योरिटी थ्रेड भी रहता है, आप उसको सनलाइट पे देखिए, कुछ अलग टाइप का आपको थ्रेड भी नजर आएगा। यस, वेल यू कम इन द क्लास दैन यू टोल्ड मी दैट विच टाइप ऑफ कलर, ओके, वो थ्रेड का कलर क्या था एंड वेयर हैव यू सीन द महात्मा गांधी फोटो, राइट साइड देन लेफ्ट साइड, दिस इज योर फोटो। टू द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर इज द नेशनल एम्बलम, और फिर बॉटम में कॉर्नर में क्या रहता है, नेशनल एम्बलम रहता है। द सीरियल नंबर ऑफ द नोट अपीयर एट द टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सभी नोट पे किसका सिग्नेचर रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। बैंक ऑफ इंडिया अपीयर्स एट द बॉटम सेंटर ऑफ द नोट, ठीक है, और नीचे सिग्नेचर रहता है। और आपको पता है, यू नो अबाउट द हु इज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया, शशिकांत दास, ओके। द वैल्यू और द वैल्यू ऑफ द नोट अपीयर्स इन सेंटर एंड इट्स ऑन इट्स अ साइड, साइड नंबर टू। मैंने अभी साइड नंबर वन को बताया, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन साइड नंबर टू। अ पिक्चर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज प्रिंटेड एट द सेंटर ऑफ द बैंक नोट। फॉर एग्जाम्पल द 50 रुपी नोट हैज द पिक्चर ऑफ आवर पार्लियामेंट। आपको पता है 50 रुपीज के नोट में पार्लियामेंट का पिक्चर दिया रहता है। हाउस एंड 500 रुपीज नोट हैज अ पिक्चर ऑफ द महात्मा गांधी गोइंग टू ऑन दांडी मार्च, और 500 के रुपीज में महात्मा गांधी का फोटो दिया रहता है जिसमें वो दांडी मार्च पे जा रहे थे। द 10 रुपीज नोट हैज अ पिक्चर ऑफ अ टाइगर एलिफेंट एंड वन हॉर्न रैनो, और 10 रुपीज के नोट में क्या रहता है, टाइगर एलिफेंट और वन हॉर्न रैनो। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द नोट, मैंने आपको नोट्स को पढ़ा दिया है। सो दिस चैप्टर is finished by me, so all of you I hope understand very well. See this video one or two times and when you come in the class explain me about the note, okay, thank you, thank you very much friends, bye bye.